तो भाई आप लोगों की डिमांड पे बड़ी वाली जो पतंग थी हमारे पास, देखो कितनी बड़ी है ये, जो बहुत बड़ी पतंग है, आज इसको उड़ाएंगे। उड़ाने के बाद देखेंगे कितना ज़्यादा प्रेशर ये क्रिएट करती है हाथों पे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो मंजा कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देता है कि उंगली कट जाती है, बहुत प्रेशर होता है, या टाइट पकड़ के रखनी पड़ती है जो डोर होती है जिससे पतंग ऊपर जाती है। तो आज यही ट्राई करेंगे कि ये जो बड़े वाली पतंग है ना, जब ये ऊपर जाएगी तो कितना प्रेशर लगाएगी, और जब ऊपर पहुंच गई तो हम इसको कितनी छोटी कर पाएंगे, क्योंकि जो पतंग नॉर्मल पतंग होती है आसमान में जाती है, जाने के बाद जैसे हम पूरा अपना जो रील होती है, जो हुचका होता है या चरखी होती है, जब उसको खाली करना शुरू करते हैं तो पतंग बहुत ऊपर निकल जाती है, छोटी सी दिखने लगती है। क्या ये वाली पतंग इतनी छोटी हो पाएगी, बहुत ऊपर जा पाएगी, और फिर जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो कितना वेट कैरी कर पाएगी। हम इसमें ईंट बांधने की कोशिश करेंगे, जो सद्दी होगी ना उसमें ईंट बांधने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे ईंट को ऊपर ले जा पाएगी ये पतंग या नहीं। तो ट्राई करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वाली वीडियो में। तो हमने इसके कन्ने बांध लिए हैं, ये कन्ने बन चुके हैं, और कन्ने देखो हमने कितने बांधे, ऐसे चार चार लेयर करके सद्दी की, ये देखो तब बांधे हमने इसके। तो बस अब इसमें लगानी अपनी रील और भेजते हैं पतंग के ऊपर। निखिल ले आ। भाई सब हाँ, इसमें कन्ने जान देने पड़ेंगे, निक्की कन्ने दे। और पीछे और पीछे और पीछे, बस 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 वहीं से ट्राई करते एक। तो पहला अटेम्प्ट, रुक जा, तो अपनी बड़ी पतंग आसमान में पहुंच चुकी है और शुरुआत से ही बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है उंगलियों पे, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पतंग के लिए, बस हाथ ऐसे रखो और ढील देते जाओ, बस ये अपने आप उड़ रही है, अपने आप उड़ने वाली पतंग बन चुकी है। ये देखो कुछ नहीं करना, और इसको बस ऐसे अगर मैं ढील दे रहा हूँ ना, अभी हाथ पे देखो प्रेशर, यहाँ पे बहुत प्रेशर है, ये रहा अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आवाज़ सुनो, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर है, अगर छोड़ दो तो रील देखना कैसे जाएगी। हवा भी कम है बट कोई नहीं, पतंग को भेजते हैं ऊपर। लगाने पड़ रहे हैं इसको पतंग को ऊपर करने में। नॉर्मल पतंग होती है आप हल्के से खींच मारो सीधी उठ जाती है, बट इसमें तो दोनों हाथ लगा के ऐसे जोर लगाना पड़ रहा है जैसे आप सामान खींच रहे हो,
बहुत प्रेशर लग रहा है इस वाली पतंग में। तो नॉर्मल पतंग में तो मज़ा आता ही है, सबको मज़ा आता है, बट मैं कह रहा हूँ बड़ी वाली पतंग जिस दिन आप उड़ाओगे ना, आती तो थोड़ी महंगी है बट मज़ा भी, जितनी पैसे लगते हैं इसमें पतंग में सब वसूल हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, अलग फील है पतंग की। नॉर्मल पतंग अलग है, बट इसको सद्दी से उड़ाना चाहिए। मंजे से उड़ाओगे तो बहुत डर है, इतना प्रेशर मंजा तो काट ही देगा, तो मंजे से तो बिल्कुल मत उड़ाना केरी। और इस पतंग को ऐसे टाइम पे उड़ा रहे हम कि बाकी पतंग नहीं उड़ रही, वरना इतनी महंगी पतंग है दूसरी पतंग आए और काट के चली जाए बहुत नुकसान बैठता है, इसलिए अकेले उड़ रहे हैं। और लेके चलते हैं इसको, दूर लेके चलते हैं। क्या हुआ निक्की, हैं कन्नों से गई? तो बड़ी पतंग के साथ क्या हुआ, पहले तो हमारी बीच में से टूट गई, भाग के गए वहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद जहाँ कन्ने बांधे थे, ऐसे कन्ने बनते ना, ये पतंग होती है, यहाँ कन्ने बनते हैं ऊपर की तरफ से, वहां पे ऐसे हमने दूसरा धागा बांधा था कन्नों में, तो कन्नों पे वो सिंगल था, वो पता नहीं रगड़ा या जो भी था, वहां से वो टूट गई और पतंग बहुत दूर जा चुकी है, अपनी रेंज से बाहर हो गई। तो यार बड़ी वाली पतंग उड़ाते हैं बहुत मजा आता है, पर जब कट जाती ना तो दुख होता है यार, इतनी बड़ी पतंग है, इतनी अच्छी हमें लगती थी, अब इतनी दूर जा चुकी है कि हम उसको ला नहीं सकते, पर मजा बहुत आता है। अगर आपको भी मज़ा आया, जो आपने बोला वो हमने कर दिया, बड़ी वाली पतंग को उड़ा के दिखा दिया कैसा फील होता है, कितना प्रेशर वो देती है, ईंट यार ईंट को उठा के ले जा रही थी, इतना ज़्यादा प्रेशर है पतंग में, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी पतंग, और उंगली पे भी उसने ऐसे मार्क डाल दिया है। तो ये होता है बड़ी वाली पतंग को हम जब उड़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो करना लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।